तो भाई साहब ये है अमेठी घाट और यहाँ का सीन आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। आज है साल का अंतिम दिन और यहाँ पे बच्चे लोग हैं। दोस्तों यहाँ पे जो लोग हैं कंटिन्यू गाड़ियों में भर भर के पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आते जा रहे थे, तभी अचानक से हमें कुछ बच्चे मिल गए जो कि काफी ज्यादा खुश थे। और दोस्तों ये हरीश भाई जिनके साथ आज हम पिकनिक मनाने यहाँ पे आए हुए हैं, और ये रहा हमारा लोकेशन जहाँ पे चूल्हा पहले से बना बना है और देख सकते हैं यहाँ का सीन। और अभी हम दोनों भाई यहाँ पे लग चुके हैं साफ सफाई पे। और भाई साहब कुछ देर बाद हमारा जो लोकेशन है कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे दोनों भाई चूल्हे की तैयारी में लग जाते हैं और चूल्हे की तैयारी के बाद आग की तैयारी में लग जाते हैं, और हमारा जो लोकेशन आपको कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है। तभी अचानक से वीरू भाई लकड़ी लेके यहाँ पे आते हैं, तभी पीछे से हरीश भाई भी लकड़ी लेके टाटा करते हुए आते हैं और टेंशन में लकड़ी को पटक देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम अदरक लहसुन प्याज मसाला की कटाई फटाई और छटाई में लग जाते हैं, तब तक हमारा जो चूल्हा है पूरी तरह से बुझ जाता है और हमारा दिमाग का दही हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। और दोस्तों इधर हमारे हरीश भाई जोर शोर से चिकन लेग पीस की तैयारियों में लग जाते हैं, तभी अचानक से हमारे दोनों चूल्हों में आग लग जाता है और फटाफट हमारे हरीश भाई चिकन लेग पीस को भुनने की तैयारियों में लग जाते हैं। दोस्तों हमारा जो चिकन है भुन के तैयार हो चुका है, मसाला भी लगभग भुन के तैयार होने ही वाला है, तब तक मैं आपको अपने दोस्तों से परिचय कराता हूँ। तो दोस्तों आज है साल का अंतिम दिन और आखिरी रविवार, और ये हमारे पैगरा भाई साहब, और ये है एक और हमारे पैगरा भाई साहब, ये है मुकेश भाई साहब, और इनको आप पहचानते ही हैं वीरू भाई साहब जो धनिया काट रहे हैं, और ये हमारे कुकमैन जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों हमारा जो चिकन है लगभग बन के तैयारी हो गया था, तब भी हम अचानक से पापड़ भूनने लग गए और हमारा जो चिकन हल्का सा जल गया और हमने उनमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसके बाद हम खाने पीने बैठ गए। साल का अंतिम दिन और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।